भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और यह अब अंतिम स्वरूप में है। इस बीच आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है। आज से लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोगों से अपने अपने घरों या प्रतिष्ठानों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं avianpost.com। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है, जो 15 अगस्त तक चलेगा। भारत के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में तिरंगे को घर घर तक पहुंचाने और फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वाला हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज बेड़ो प्रखंड के दीघिया पंचायत की ओर से जागरूकता अभियान निकाली गई और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही तुक्को गांव के मिडिल स्कूल में भी प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। केंद्र सरकार पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह कर चुकी है कि वे राष्ट्रीय नायकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रोत्साहित कर। देश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। देश में पहले यह जरूरी था कि अगर तिरंगा खुले में फहराया जाता है तो उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराए जाने का नियम था। सरकार की ओर से जुलाई 2022 में इसे संशोधित किया गया और अब लोग दिन रात अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकेंगे। और भी खबरों के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे वॉच avianpost.com।